अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आम आज मेज़बान तानिया खान। प्रोग्राम आवाज़ सा मुलाकात में आवाज़ सब के चाहूँ पे भलीकार नाज़रीन अवा के खबर ये होंगे तो इन वक्त मुल्क में निगरान की हुकूमत है। पे तो यकीन अवा के यो भी खबर होंद तो इन वक्त पाकिस्तान सियासी माशी और कानूनी सरगर्मियों या चवं तो मुजहारन जो शिकार है। निगरान हुकूमत के इन वक्त इन हालत में कड़े कड़े चैलेंज जो सामो करो तो पे इन बाबत भी असि अज प्रोग्राम में ज़रूर ाली माशी या कानूनी सरगर्मियों के बारे में भी सियासी सरगर्मियों के बारे में भी अज प्रोग्राम में असि जरूर गालबुल कंदासी। असा गड जी मेहमान शख्सियत है उनके बारे में बुधाइंदी हल तो होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ असा गडन उन्होंने भलीकार चौन था। सर आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच आवाज़ से मुलाकात में। सबसे पहले तो ये बताएँ कि कैसे हैं आप? आई एम गुड, डूइंग गुड, वेरी वेरी बिजी दिस डेज। आपको पता है इस वक्त वो निगरान वज़ीर दाखिला का काम बहुत होता है तो उसी हिसाब से देन वी रिमेन बिजी। रात को गैस सुबह जाते हैं बस टाइम का पता नहीं होता। यस आई नो, यस आई नो। अच्छा सर, सबसे पहले अगर हम सियासी सरगर्मियों के बारे में बात करें तो ये लेवल प्लानिंग फील्ड के बारे में जो बात की जाती है अक्सर, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ये लेवल प्लानिंग फील्ड है भी या नहीं? देखिए अगर मैं सिंध की बात करूँ बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है और सबको दिया हुआ है, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और आपने देखा किसी सियासी लोगों को हमने तंग नहीं किया और हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और जब इलेक्शन डेट स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद हम उसकी भी हमने तैयारी की हुई है। अच्छा, ये बिलावल साहब और तारिक इंसाफ लेवल प्लानिंग फील्ड ना मिलने की शिकायत फिर क्यों करते रहते हैं अगर सब कुछ है तो? मुझे हैरानी है क्योंकि यकीन करें बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने किसी को कोई जलसा करना है, कोई आपने जिस तरह की चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वी डोंट इंटरफेयर और हमने बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है कॉन्सेप्ट है, हमने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। हमारे पॉलिटिकल डिज़ाइन कोई नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा कोई नहीं है, तो सब अपना काम कर रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल किसी को हमारी शिकायत होनी चाहिए। अच्छा, तारीख इंसाफ की बात की जाए तो तारीख इंसाफ की तरफ से कोई जलसे या उनकी तरफ से आपके लिए क्या पॉलिसीज हैं? वेरी सिंपल, जो जिनके पर किसी को क्रिमिनल केसेज नहीं है, वो किसी चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ऑफेंसिस नहीं किया, दे आर फ्री टू डू एनी इलेक्शन कैंपेन करें, जलसा करें, जैसे सबको ज़्यादा जैसे उनको ज़्यादा था। लेकिन जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पहले से हैं या नैब में केसेस हैं वो अपने केसेस फेस कर रहे हैं, बट हमारा से हमने किसी की एफआईआर ना काटी है ना कुछ किया है, वी डोंट अलाउ। जो भी इलेक्शन कर रहे हैं कैंपेन कर रहे हैं दे अलाउड टू डू। सही सही, अब तक किसी जलसे या कहा जाए कि किसी एक्टिव केस की तारीख इंसाफ की तरफ से कोई इतला आपको मुयसर हुई या नहीं? मेरे पास किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है और मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मेरे पास हम पोलिटिकल पार्टीज आती हैं, किसी को प्रॉब्लम होते हैं, खासतौर पर अभी मौलाना फजल रहमान की पार्टी के थे इलेक्शन में, वी डोंट इंटरफेयर। पीपल्स पार्टी अपने जलसे कर रही है, अभी साहब के सामने जहाँ पे मिट्टी में भी किया, सब जगह कर रहे हैं। लाइक एनी पॉलिटिकल पार्टी वी हैव नो इशू, हमारे पॉलिटिकल डिज़ाइन ही नहीं है, वी आर लुकिंग आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर और जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के लिए फेयर फ्री ट्रांसफर करेंगे, दैट्स अवर बेनिफिट। सही सही सही। अच्छा, अब थोड़ा सा गैर मुल्की तारकीन के बारे में भी बात की जाए तो गैर मुल्की तारकीन जो यहाँ पे मकाम है या जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको वतन वापसी पहुँचाया जा रहा है या नहीं, उसके हवाले से कुछ बड़ा सिंपल है? देखें दो तीन चीज़ें हैं, एक वो गैर मुल्की तारकीन या वतन है जिनको इलीगली मेरिट कहते हैं, जिनमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बिल्कुल ना वीज़ा है ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना तो उनको अब वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड है, ना कोई अफगान सिटीजनशिप कार्ड है या नादरा कार्ड है, तो फेज वन में हम उनको निकाल दें। ठीक है, सही सही। हमने पहले 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर टाइम दिया था कि जो वॉलंटरली जाना चाहते हैं, चाहे उनके पास कार्ड्स हैं नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से जो कुछ ले जाना चाहते हैं ले जाएं। सही सही। और वो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गया, फिर हमने खुद शुरू कर दिया, हमने टीमें बना दी, तीन जोन है कराची की, ईस्ट वेस्ट और साउथ, तीनों में हमने एक टीमें बना दी। इसमें नादरा की टीम थी, फिर डीआईजी थे, फिर उसके अंदर ये डिप्टी कमिश्नर थे, फिर उसके बाद लोग थे जो इनको पहले नोटेबल्स को हमने ऐड किया, वो जाते थे घरों में जाके सबसे चेक करते थे, जिन जिन के पास कोई भी कार्ड नहीं था उनको हम पकड़ के ले आते थे, हमने कैंप मेन कैंप बना दिया। सर कैसे पता चलता था कोई भी कार्ड नहीं है या दस्तावेज नकली हैं या असली हैं, कैसे पता चलता? हमने नादरा की टीम बनाई हुई, नादरा की गाड़ियाँ खड़ी हुई, नादरा की हर जोन के अंदर उनकी पूरी गाड़ी है, पूरा प्रॉपर तरीके से आप हमले कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू विक्टिमाइज। और सेकंड देखिए, हमारा मेन भी मकसद ये था कि जितने भी ये तारकीन वतन है गैर मुल्की,
ये क्योंकि आप हमारे मुल्क में रहे हैं इतना अरसा नहीं है, तो हम इनको बहुत एहतराम से भेजना चाहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, कहीं ना कहीं ये तासुर भी फैला जा रहा है कि गैर मुल्की जो उनकी आरामगाह है, या मैं बोलूँ कि उनके जो घर हैं या उनका जो कारोबार है, उन पे जो है हमला किया जाए, तो नहीं, इस तरीके ऐसी से बात नहीं है, फैले जा रहे हैं। ऐसी नहीं है, हमने कभी पहले किसी को टच ही नहीं किया, या फिर कब्जा किया जा रहा है इस तरह के तासुरात। नहीं, ये वो जान के देखें, एक आपके गैर मुल्की अनासर हैं जो चाहते हैं कि यह भाम पैदा किया जाए कि हम पता नहीं जाती कर रहे हैं, अफगान नेशनल को स्पेशल टारगेट करें। जो हमने बड़ा कहा कि किसी भी मुल्क के जो लोग हैं, बिल्कुल दुनिया में कहीं भी आपके जो गैर मुल्की तारकिन हैं, ये विदाउट वीज़ा होते हैं या ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, वो पूरे अमेरिका में नहीं फैलेंगे, उनको एक जगह एयर मार्क कर देते हैं, वहाँ को रखते हैं। यहाँ तो ये है कि पाकिस्तान पूरे में लोग फैले हुए हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। फिर हमारे लॉर्डर सिचुएशन भी है, कराची में भी बहुत प्रॉब्लम हैं। आपके सामने पीछे 2 महीने से कितने ज़्यादा हमारे पास टेररिज्म की एक्टिविटी, एंटी टेररिज्म का कार्रवाई हुई हैं, जिसमें ज़्यादा लोग जब मारे गए उनमें अफगान नेशनल थे, जिसकी वजह से फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि खैर जिस मुल्क के भी हैं, एवरीबडी हैज़ टू गो बैक टू द कंट्री। फेज़ 1 में वो जिनमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फेज़ 2 मेरे ख्याल में आने वाला है और आना चाहिए, क्योंकि देखें जो पश्तून हैं, ये 2 किस्म के, एक पाकिस्तानी पश्तून, एक है अफगान पश्तून। पाकिस्तान इज़ सॉवरेन कंट्री, अफगानिस्तान इज़ सॉवरेन कंट्री। सो अफगान पश्तून, चाहे उनके पास POR है, उनके पास ACC कार्ड्स हैं, अल्टीमेटली दे विल हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री, ठीक है। और जो हमारे पाकिस्तानी पश्तून, उनका पाकिस्तान का घर है, दे विल से। लेकिन जो अफगान रिफ्यूजीज यूनाइटेड नेशन फॉर हाई कमीशन रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड हैं, दे आर 1.4 मिलियन, मन 14 लाख, बिल्कुल 14 लाख, उनको वो हमारे मेहमान हैं, उनको हम कुछ नहीं कर रहे। दे विल रिमेन हेयर टिल द टाइम इनका फैसला यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर फैसला नहीं कर रहे। सही सही, वो सेव हैं, बिल्कुल सेव हैं। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, टारगेट किलिंग के हिसाब से कोई बात की जाए तो आप बताएं, बलोचिस्तान में इस वक्त टारगेट किलिंग आसमान छू रही है, और जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, आपको भी पता होगा यकीनन, तो इस हिसाब से क्या पॉलिसीज? पॉलिसी वेरी क्लियर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मिलिट्री ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने, चीफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल आसिम ने एक तहिया किया हुआ है कि हमने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करना है, ठीक है। इसके लिए जो कोशिश भी है, रोज़ाना हमारी दिन रात हमारी सिक्योरिटी एजेंसी वो नेट ब्रेक करती हैं, पकड़ लेते हैं कौन तैयारी कर रहा है, कौन फैसिलिटेटर है, कौन सहूलतकार है, कौन मिडल मैन है, कौन इनको तैयार कर रहा है, कौन टारगेट दे रहा है, सबको हम पकड़ लेते हैं। 95% तो पकड़े जाते हैं, 4-5% जो रह जाते हैं उनको ज़ाहिर है कि फिर ये कोई एक आध इंसिडेंट हो जाता है, पर खुदा का शुक्र है कि वी आर वेरी क्लियर। काफ़ी हम सिक्योरिटी मेज सिंध में ली हुई हैं, कराची में ली हुई हैं, और हम बहुत एहतियात करते हैं, अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई टेरर एक्ट काफ़ी अर्से नहीं हुई है, लेकिन बाकी जगह पर हुई हैं, और उस पर पूरी हमारी मुसल्ला फौज दिन रात लगे हुए हैं, शहादतें भी दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब मुल्क से तमाम गैर मुल्क तारकिन वतन को जाना चाहिए, ताकि ये हमारे मसाइल ख़त्म हो जाए। इनके जाने से मेरे ख्याल में 50-60% क्राइम रेट वैसे भी कम हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कराची की बात की, तो कराची रोशनियों का शहर है, पर कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि मुंझारों का शहर भी बन चुका है इस वक्त। तो क्या कहते हैं, रोड पे ये गहमा गहमी जो देखी जा रही है, आप बोलें कि रोड के हवाले से देखा जाए तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही इस वक्त तक? नहीं, देखें 2 महीने हम लोग गए, हमने बहुत कोशिश की है। पहले तो ऑनेस्टली बहुत प्रॉब्लम थी, जब मैं आया तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने, और उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे आर्मी और सब ने ये इंस्ट्रक्शन पास की थी कि हमने 3-4 चीज़ों में फोकस करना है, ठीक है। नंबर 1 इसके पास कराची से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करनी है। सही सही। नंबर 2 है कि आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल होने लग गई, बिल्कुल, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल। ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई आइस के चल रहा है, कभी वो कोक चल रही है, चल रही है, फिर मुगावा ये मावा गुटखा चल रहा है, इसके खिलाफ ये एक कार्रवाई करनी थी। नंबर 3 स्मगलिंग के खिलाफ, एंटी स्मगलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी, बलोचिस्तान से सिंध के बॉर्डर के पास से बहुत स्मगल ऑयल डीजल आ रहा था, स्मगल ये ड्रग्स आ रही थी, उसके बाद ये गुड्स आ रही हैं जिसमें कपड़ा है और चीज़ें हैं, वो थी, वो हमने सब सील कर दी। और चौथा यह था कि हमने कच्चे केजी में जाके वहाँ पर जो भी बहुत ज़्यादा रैनसम हो रही थी, अब्डक्शन हो शुरू हो गई थी, बहुत हिंदू हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको उठाया हुआ था, बिल्कुल, हमने आने के बाद तमाम रिकवर किए हैं। इस वक्त 0 अब्डक्शन है, 0 रैनसम है, कोई वहाँ पर हमने जो ये नेशनल हाईवे कभी ब्लॉक नहीं हुआ, और वार्निंग मैंने दी है जो सरदार उस एरिए के, अगर
आज भी हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आज दिन के वक्त भी छुट्टी थी, लेकिन हम लोग गए हुए थे, बहुत सीरियस है। अभी हम इंशाल्लाह कच्चे में ऑपरेशन करने वाले हैं, तो वी विल डू। वैसे ये आपने अच्छा आइडिया लगाया, जहाँ जहाँ जो रह रहा है उसके सरदार को पकड़ेंगे, ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि इनके आपस के झगड़े उसी में डेकॉर्ड्स पालने में, झगड़ों में, और उसी में फिर आवाम का नुकसान होता है, आवाम का नुकसान होता है। अपने मसाइल को हल करें बैठ के जमानी से, फिर इन सबको फारिग करें। और यहाँ तक है कि जो सरेंडर करेंगे, डेकॉर्ड जितने सरेंडर करना चाहते आ जाएं, उनको अब कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ उनकी जो केसेस होंगे वो कोर्ट में चलेंगे, कोर्ट से उनको अगर मिलती है कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर लें, लेकिन हम मारेंगे किसी को नहीं, बिल्कुल। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कानून को हाथ में हम बिल्कुल नहीं लेंगे, कानून को हाथ में हम बिल्कुल नहीं लेंगे। चलो थोड़ा सा हम नून लीग के बारे में बात करें, तो नून लीग को कहीं ना कहीं किंग पार्टी कहा जा रहा है, कि उनका कहना है कि आने वाले वज़ीर आज़म की चोट भी हमने कर ली है, तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए ये तो अब देखिए उनके केसेस कोर्ट में हैं, कोर्ट ने डिसाइड करने हैं, कोर्ट ने उनको बेल दिया है, तो ये तो कोर्ट और पार्टी का आपस में इंडिविजुअल्स का ताल्लुक है। सेकेंडली अगर वो सिलेक्ट कर लिए तो वो उनका अब उनको समझ होनी चाहिए कि क्या उनके पास इतने वोट बैंक है, पंजाब में क्या पोजीशन है, केपीके में क्या है, बलूचिस्तान में क्या है, सिंध में क्या है। ये मेरे ख्याल में ये डिसाइड एक्चुअली पाकिस्तान की आवाम डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो जोरों शोरों पे है ना, तो ये सिंध वाले कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, तो TMLN कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, तो आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग। लेट्स सी अवाम के किसको वोट देते हैं, अवाम की ताकत, अवाम की मर्जी। चीफ ऑफ आर्मी साहब बड़े क्लियर हैं, फौज और अवाम में आपस में गठजोड़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, आपस में बहुत एतमाद होना चाहिए, क्योंकि फौज अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है। ये हमें इस चीज़ को अवाम को हमारे यूथ को ख्याल होना चाहिए कि यही दुश्मन का नैरेटिव पता क्या, कि फौज और अवाम का जो गठजोड़ है, कमज़ोर जो ताल्लुक है, इसको कमज़ोर कर दो, फौज अवाम के अहतमाद कम कर दो, फौज को कमज़ोर करो, खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान करो। वैसे इसके ऊपर हम बहुत क्लियर, इस सबको हमें मिलकर इस नैरेटिव को हमें डिफीट करना। सही, ज़बरदस्त। आप इजाज़त दें तो ब्रेक की तरफ जाएं, इजाज़त मिल चुकी है। नज़र हाँ टाइम तो नंडी शॉर्ट ब्रेक चो, ब्रेक हपे भी अवान की खिदमत में हाजिर रहंदासी, असा से गट रह चो। वेलकम बैक नज़र, एक दफ़ा बीहर तमाम सभी के पहली कार चमदासी आवाज़ सां मुलाकात में नज़रें अवां की खबरें होंगी, तो जी मेहमान शख्सियत है असगढ़ उन्होंने बारे में वो भी मैं बुधाई हल, तो होम मिनिस्टर सिंह ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज सब असगढ़ हैं जी। सर हमारी बातचीत चल रही थी, तो जलसों के हिसाब से बात हो रही थी, सो बिल्कुल। और सबसे बड़ी तो ज़ाहिर जब जब इलेक्शन होते हैं, जलसे भी होते हैं, तकरीर होती है, मंशूर भी बयान किया जाता है, देखना चाहिए कि इलेक्शन के बाद उस पर अमल कितना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अवाम को सोच समझ के वोट देना चाहिए, फिर वही प्रॉब्लम होती बाद में जो हमें प्रॉब्लम होती है। इससे बेहतर है कि आप अपने लोगों को सिलेक्ट अच्छे करें, बाकिरदार लोग हों, जिनका किरदार अच्छा है, जो मुल्क अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम अच्छा करते हैं, कोई वो दे कैन डिलीवर समथिंग एक्स्ट्रा, वो लोगों को करें ताकि वो आए असम्बली में और कानून सदी अच्छे करें। असम्बली का काम होता है आवाम अपने नुमाइंदे चुन के असम्बली में लेके जाते हैं और वहाँ वो कानून साजी करते हैं आवाम की भलाई के लिए, दैट इज़ द रोल। इसके अंदर सबको काम करना चाहिए, बहुत कम होता है। आई थिंक इस वक्त इलेक्शन में ये चीज़ें देखनी चाहिए, बिरादरी या अराई ने अराई को वोट देना है, चांडियों ने चांडियों को वोट देना है, सुमरों ने सुमरों को वोट देना है, दिस शुड नॉट बी देयर। आप पाकिस्तानी साहब हैं, सिलेक्ट अच्छे करें, वोट अच्छे दें, ताकि वो फिर आपके लिए इस्लामी में जाके काम अच्छा करें। अगर सर कहीं ना कहीं ये भी तासुर फैला जाता है कि वोट के दौरान वोट चोरी होंगे, वोट खरीदे जाएंगे, तो इस बारे में आपकी क्या? देखें वोट खरीदे जाएंगे तो वो कानून इलेक्शन कमीशन का काम है कि अगर कहीं गलत होता है या वोट दिए जाते हैं उसकी वीडियो आ जाती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा स्ट्रांग एक्शन लेता है, ठीक है। लेकिन हमारा काम है कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना, मींस के इलेक्शन वाले दिन हमने इंश्योर करना है कि सही लोग जाएं, बैलेट पेपर पे अपने जो उनका हक रायदही है वो इस्तेमाल करें, वहाँ उनको कोई इन्फ्लुएंस ना करे। उसके लिए हमारी पुलिस भी होगी, रेंजर्स भी होगी, FC भी होगी, और मिलिट्री हमारी पीछे एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगी, क्विक एक्शन फोर्स अगर ज़रूरत पड़ती है वो भी इलेक्शन कमीशन कहता है तो वो अवेलेबल होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज वी विल इंश्योर कि कोई भी ठप्पेबाजी जो होती थी ना पहले वो नहीं होगी, वी आर वेरी श्योर, इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेंगे, एलिमेंट कर लेंगे, ज़बरदस्त। अच्छा मैं अगर बात की जाए कानून के हवाले से, और इस वक्त जेलों का जो हाल है वो भी आप लोगों के भी सामने, हमारे भी सामने, आम आवाम के सामने भी है,
तो वहाँ पे एक तो जो कैदी हैं वो हद से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे जो औरतें हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं के साथ रह रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोगों की क्या? देखें, आई एम अ मिनिस्टर फॉर प्रिजन ऑल्सो, तो इसलिए मैं काफ़ी सेंट्रल जेल भी गया हूँ, फिर मैंने लांडी जेल भी गया हूँ, उसके बाद जो और तो ख़वातीन बच्चों की जेल है वहाँ पे भी गए हैं, वहाँ लेडी हैं, डी ए जी हैं, वो हैं डी ए जी शिबा। ऑनेस्टली इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है। आप हैरान होंगी कि मैंने जाके और जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है, आर्ट्स की क्लासेस होती हैं, उनकी एजुकेशन क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, आर्ट्स इतना अच्छा मैंने ज़िंदगी में देखा जो मैंने सेंट्रल जेल में देखा है। मैंने उसके बाद आई जी को बोला और उनके स्टूडेंट को बोला कि डी ए जी को कि आप आर्ट्स काउंसिल में उनकी एग्जीबिशन करें, और उनकी हमने वहाँ पर सारी आर्ट्स की गैलरी बनाई है, उसमें सीनरी लगाई, 16 लाख रुपए की उनकी बिलिंग भी किए चीज़ें। एक कैदी थे जो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, उसने 10 लाख रुपए अर्न किए हैं, और वो 10 लाख में उसने अपनी वालदा को उम्र के लिए भेज दिया, आपने सुना होगा। तो अभी हम उसको मैंने फेसबुक पर हम स्टार्ट करेंगे, उनकी सारी चीज़ें बिकी जाएँ। इसी तरह लांडी जेल में तो आई थिंक अब वो ज़माना पहले पुराना वक्त होता था कि मारना ज़बरदस्त, यस स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देयर इज़ नो, अगर 4,000 आएंगे तो वहाँ पर तकरीबन 8,000 लोग हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी नई जो नवी बैरक्स बन भी रही हैं उसमें शिफ्ट करेंगे, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से सफाई का इंतज़ाम करते हुए उसको निभा रहे हैं। इसको ये जो टारगेट किलिंग के दौरान जो लोग पकड़े जाते हैं, जेलों में भेजे जाते हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हैं, तो क्या परवरिश ऐसी की जा रही है जेलों के अंदर कि पहले से ज़्यादा निकलते हैं? ऐसी बात नहीं है, बेसिकली वहाँ हम उनको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट्स उनको बहुत जल्दी छोड़े, उनके बेल ले लेते हैं। लेट्स से पकड़ा किसी ने रॉबरी की, डिक्वाइटी की, उसको जो जो जजेज हैं वो उसको जल्दी छोड़ देते हैं, एक दफ़ा छोड़ दिया वो कहता है ये तो मैं 2 हफ्ते को बाहर आ गया हूँ, दैट इज़ इनकरेज, वो फिर उसी तरह करता है, फिर वो दोबारा जुर्म करता है, फिर पकड़ा जाता है। अब हमने सिस्टम ये किया कि अगर जब केस बनेगा, चालान बनेगा, उसको लिखेंगे इससे पहले कितनी दफ़ा इसने जुर्म किया है, इसके केसेस कितने चल रहे हैं, ताकि जज जमानत देते वक्त अब उसको जमानत ना, जेल में जब रहेगा फिर उसको समझ आएगी कि आइंदा नहीं करना। तो आई थिंक इसको लिए हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर। अभी अगर आप थोड़ा सा और बात करें टारगेट किलिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छा होगा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और। लेकिन टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि टारगेट किलिंग वो होती है कई किस्म की। अगर आपके सामने कोई किसी इंडिविजुअल को आप टारगेट करते हैं, या किसी रिलीजियस लीडर को लेते हैं, ये अहले तशी है, अहले सुन्नत जमात है, या माइनॉरिटी का है, वो हम टारगेट के लिए, लेकिन खुदा का शुक्र है इस वक्त बहुत हद तक ख़त्म है। इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हमने इस वक्त टारगेट ये सोचा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ का भी है वेरी पर्टिकुलर। आपने जड़ावाला का इंसिडेंट सुना होगा पंजाब में, इसलिए मैंने आके बड़ी क्लीन सेक्शन दी कि अपने माइनॉरिटीज़ का ख़ास ख्याल रखें, वो पाकिस्तानी है, उनका राइट है। कायदे मोहम्मद जनाह ने भी यही कहा था कि दे आर फ्री टू गो टू एनी वेयर, और जो उनकी रिलीज ऑब्लिगेशन है वो उनको पूरा करें। लाइफ वाइज यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर हमने क्योंकि कायदे आपने देखे हमारे फ्लैग में भी वाइट फ्लैग जो है, वाइट रंग जो है, वो माइनॉरिटी का है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छी बात है, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल हेल्प मैंने सबको बुला के मीटिंग की है, आई थिंक एक उनका ये सिखों का गुरु नानक का एक 25 तारीख को इनका मेला होने बड़ा ज़्यादा किस्म का, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम हर किस्म की प्रोटेक्शन करते हैं, हाँ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ में, हम में, सब में कोई फ़र्क नहीं, ओवरऑल पाकिस्तानी, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव इन इट। अच्छा जी, कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, इस बारे में देखें, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। कराची में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम थे, और हमने बहुत ज़्यादा आपके सामने, अगर आपने देखा हो कि मोटरसाइकिल पर 2-3 लड़के थे, उन्होंने बड़ी इंडिसेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो जो थे डिलीवरी बॉयज थे, वो ऐसी हरकतें कर रहे थे, एक दो और थे हमने देखा, अपने टी वी छोटी यूट्यूब पर चल रही थी चीज़ें, टी वी चली, सबको हमने पकड़ लिया। बाप और बेटे को जो मोबाइल शॉप पे मारा गया था वो भी हमने पकड़ लिए, एक मौलाना सबक पड़ गया था उनको भी पकड़ लिया। अभी तक हमने तकरीबन 45 से 50 डिकॉयट्स को मारा है ये 2 महीने के अंदर। मारा इसलिए कि पकड़ते हुए जब होते हैं मारते, पुलिस तैयार होती है, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम को कवर करने के लिए अभी हमारी पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस निकली हुई है, रेंजर्स निकली होती है, हॉटस्पॉट पर पुलिस रेंजर्स खड़ी होती है, इमेज रिएक्ट करते हैं, जिससे जब मारते हैं डिकॉयट को बड़ा इफेक्ट होता है कि जी ये देखें, फिर बाकी लोग डरते हैं। तो इस लिहाज से अब बहुत बेहतर हो गई है। लाइक वाइज आपके जर्नलिस्ट के 3-4 मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चोरी खिंचना, वो हमने रिकवर कर लिए हैं, नेट ब्रेक कर लिए हैं, 5-6 नेट थे वो पकड़े हैं। तो आई थिंक
क्योंकि अभी हमने प्रोफेशनल पुलिस पोस्ट की है, ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो अच्छे प्रोफेशनल थे, उनको हमने लेकर आए हैं। तो आई एम श्योर कि इससे आप क्रीज स्ट्रीट का में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको 4 हफ्ते में बहुत बेहतर हालात नजर आएंगे। बहुत बेहतर, ठीक है सर, आप इजाज़त दें तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। थैंक यू नजर हाँ टाइम था ना डिश ब्रेक से ब्रेक का भाई भी हम आज के खिदमत में हाजिर हैं जैसे ऐसा से घट रहे हैं। वेलकम बैक नाजरें, वेलकम बैक एक बार भैया तमाम सबने के भनिकार चंदासी आवाज़ से मुलाकात में नाजरन मेहमान शख्सियत के बारे में यकीन नवा की खबर होंगी पर एक दफ़ा भी नालो ज़रूर दोहराण चाहिंदम तो होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज अस गडाइन सियासी माशी और कानूनी सरगर्मियों के बारे में गाल बोल थे पी पर इतने ही सवाल करना चाहिंदम पानी के हवाले से, पानी में चोरी के हवाले से। जी तो सर, पानी की जो चोरी की जा रही है सिंध में इस हवाले से आप बताएं। देखें, इस पर बहुत ही ज़्यादा एक ड्राइव की गई है, ख़ासतौर पर वाटर बोर्ड MD और फिर रेंजर्स ने मिल के इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है कि जहाँ जहाँ इलीगल हाइड्रेंट्स है, जहाँ जहाँ पानी चोरी हो रहा था, पाइप बिछाए हुए थे, सब निकाल दिए हैं और बड़ा अच्छा एक्शन किया है। पुलिस भी साथ होती थी, उनके FIR भी काटी गई है और मुझे यकीन है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा ये माफिया था कि हर जगह पर इलीगल उन्होंने बड़े बड़े पाइप जो इसके आ रहे हैं, पानी के आ रहे हैं, ढाबी जी से आ रहे हैं, उस पाइप लाइन में उन्होंने कनेक्शन किए हुए थे, उनको छुपाया हुआ था, ऐसे तक पता ही नहीं चलता था। फिर नहर का पानी ये आप बावजूद में बेच रहे थे, वो बड़ा ख़तरनाक था, उससे काफ़ी बीमारियाँ हो रही थी। तो मुझे ये सलाउद्दीन है जो हमारे MD वाटर बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की और बड़ी ईमानदारी से काम किया है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो रेंजर्स ने मिल के इन्होंने जो कार्रवाई की है बहुत अच्छी, और मुझे यकीन है कि इससे यहाँ कराची के आवाम को बहुत आसान अच्छा साफ पानी मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा। अच्छा सर, आपको पाकिस्तान में कौन सा इशू सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है? देखा जाए तो पानी भी, उसके बाद जो है देखा जाए तो ये टारगेट किलिंग हो गई, या कौन सा इशू आपको ज़्यादातर नज़र आता है? पाकिस्तान में दो इशूज हैं मेन, एक है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी और टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है, और तेकिन है पाकिस्तान में ज़्यादा इकोनॉमिक रिवाइवल है, इकॉनमी की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने देखा था चीफ आर्मी स्टाफ ने एक इनिशिएटिव लिया, इसको कहते हैं SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें 4 चीज़ों को टारगेट करें, ग्रीन पाकिस्तान, number 2 माइन मिनरल्स, number 3 है आपने IT के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाह रहे हैं, और चौथा डिफेंस प्रोडक्शन। तो आई थिंक इसको बड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मैं हम सब की दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इकानमी रिवाइव करे, इकानमी बेहतर हो, इकानमी बेहतर होगी तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे, पेट्रोल की कीमतें कम होगी और फॉरन इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरन इन्वेस्टमेंट कब आती है? तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक हो, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हो। तो आई थिंक उस लिहाज से अब काफ़ी हालात बेहतर हो रहे हैं और आई एम श्योर के आइंदा के लिए पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, बेहतर होंगे। जो पाकिस्तान से बाहर कहा जाए कि जॉब्स के हवाले से जा रहे हैं तो वो अब पाकिस्तान में ही बिल्कुल पाकिस्तान में रहेंगे, रहना चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी और ज़ाहिर है कि मुल्क के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो पाकिस्तान में लोग रहेंगे। बिल्कुल सही सही, जाते जाते कोई मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए? आई थिंक मेरा मैसेज बड़ा क्लियर सिंध की आवाम के लिए ख़ास तौर पे ये है कि यू ट्रस्ट आवाम फोर्सेस, दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करें, दुश्मन चाहता है फ़ौज और आवाम को दूर कर दो, आई थिंक यू फाइट एज ए नेशन, और नेशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम मिल के दुश्मन से लड़ाई करते हैं। इसके लिए हमेशा इकट्ठे हों, फ़ौज पर इत्मीनान रखें, आपके मुल्क की सलामती बका के लिए वो हर वक्त तैयार है, एंड सेकेंड हर जगह पर मौजूद होती है, और सेकेंड ये है कि अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, सोसाइटी का काम है साथ मिलकर काम करना, इसको ज़रूर इस्तेमाल में रहें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज असां सां गॾु हुआसीं, उन्हनि पंहिंजे सवालनि जो जवाब बाखूबी ॾिनो। इनशाला हिकिड़ी ॿी शख़्सियत सां गॾु अवां जे ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं हिकु नए एपिसोड सां गॾु। तेसि ताईं पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में यादि रखिजो, अलाह बहितरीन निगबान आहे। अलाह हाफ़िज़।